जो अनर्थकारी जो अनर्थ करते हैं उनको ऐसे खा जाते हैं। अब देखिए कंपेयरिंग किसकी की गई है, परमेश्वर ने अपने लोगों का जो तुलना दी गई है किससे दी गई है, रोटी से दी गई है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम चौथे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरहियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक के विषय में उसके 7वें भाग के विषय में सीखा था। आज हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद के विषय में ही सीखेंगे उसके 8वें भाग के बारे में। यहां पर हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 से 3 पद के विषय में। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्यजातियों को दिया गया है और वह पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। इस पद के जो है तीन भाग जो है, तीन पॉइंट जो है वो दिए गए हैं। पहला पॉइंट है परमेश्वर का मंदिर वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नापना। मंदिर के बाहर के आंगन को छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अनजातियों को दिया गया है कि उसे 42 महीने तक रौंदे। ये दूसरा भाग है। तीसरा भाग है परमेश्वर के दो गवाहों जिनको यह अधिकार दिया गया है कि 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। हम इसके पहले पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, परमेश्वर का मंदिर वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नापना। परमेश्वर के मंदिर को या वेदी को नापने का जो अर्थ है, जो सेवकाई वहां पर है, उस सेवकाई को, उस वर्शिप को नापना या बढ़ाना या निर्धारित करना, इसका यहां पर जो है वो अर्थ है। पिछले संदेश में हमने सीखा था 7 दीवट के बारे में, 7 दीवट अर्थात 7वें दीवट के बारे में सीखा था, 7वां दीवट यानी 7वीं कलीसिया के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे पवित्र स्थान में रखी जो मेज थी और जिस पर 6-6 रोटियां जो थी उस मेज पर रखी जाती थी, उसका क्या अर्थ है और वो क्या चीजें हैं और उसकी क्या सेवकाई है, इसके बारे में सीखेंगे। पवित्र स्थान में रखी 12 रोटियों की सेवकाई क्या है, इसके बारे में सीखेंगे। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, खासतौर से इंग्लिश शब्द आया है शो ब्रेड, यानी दिखाने वाली, प्रदर्शन करने वाली रोटी, इसका मतलब क्या है। जब हम इब्रू भाषा में बात करते हैं, इब्रू भाषा में शब्द आया है मारेकेत, यानी मारेकेत का मतलब होता है परत की रोटी। परत की रोटी का मतलब एक के ऊपर एक रखी गई रोटी, उसको परत की रोटी बोलते हैं। जब आप लेव व्यवस्था पढ़ेंगे, हम पढ़ लेते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं लेव व्यवस्था की पुस्तक। जी हां, लेव व्यवस्था 24 अध्याय और उसका 5-9 पद तक यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, यहां पर भेंट की रोटियों के बारे में जो है वर्णन दिया गया है। तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10 अंश मैदा हो, तब उनकी 2 पंक्तियां करके एक एक पंक्ति में 6-6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना और एक एक पंक्ति पर चोखा लोबान रखना कि वह रोटी का पर स्मरण दिलाने वाली वस्तु और यहोवा के लिए अव्यय हो। प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सम्मुख कर्म से रखा करे। ये सदा की वाचा की रीति इसराइलियों की ओर से हुआ करे और वह हरुण और उसके पुत्रों की होगी और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाएं, क्योंकि वे यहोवा के हव्य में से सदा की विधि के अनुसार हरुण के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। यहां जो है, यहां परमेश्वर का वचन बताता है कि ये पवित्र स्थान में रोटियां जो थी वो रखी जाती थी। क्यों रखी जाती थी, ये इसका क्या कारण है, इसके भेद को समझना है, इसकी सेवकाई को समझना है कि इसका भेद क्या है। यह हरुण और उसके पुत्रों के लिए थी, मगर याद रखना कि हरुण और उसके पुत्रों के लिए तो थी। जब हम आगे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो दाऊद
और उसके साथियों ने भी यही रोटी खाई थी। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, निर्गमन 25 अध्याय उसका 30 पद, और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखना, नित्य रखने का मतलब रोजाना रखना, हमेशा जो है वो रखना, एक यादगार के रूप में रखना, स्मरण दिलाने वाले मतलब याद करने वाली जो बातें हैं उनको परमेश्वर याद करना चाहता है। और ये पवित्र स्थान में जो थी परमेश्वर के समक्ष जो है वो रखी जाती थी। मगर हम कैसे पवित्र स्थान में रखी रोटियों की सेवकाई को पूरा कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो व्यवस्था के नियम के अनुसार थी, वो इसराइलियों को व्यवस्था दी गई थी। बहुत से लोग कहते हैं वो इसराइलियों को व्यवस्था दी गई, हमारा उससे क्या लिंक है? मगर हमारा उससे कोई लिंक नहीं है, हम मान लेते हैं इस बात को। परंतु जब हम प्रकाशित वाक्य के अंदर आकर परमेश्वर के पवित्र मंदिर की चर्चा करते हैं, परमेश्वर के पवित्र मंदिर के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो परमेश्वर के पवित्र मंदिर में जो चीजें रखी गई उसका बखान उसके अंदर जो देखने को मिलता है, क्योंकि वो जो मंदिर है उसके जो भाग दिखाए गए हैं यहां पर, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान और आंगन, जब इनकी बारे में बात करते हैं तो इनके अंदर जो सेवकाई हुआ करती थी उसका क्या अर्थ है, और आज उसका लिंक किस रूप में हमारे जीवन में प्रवेश होता है या हमारे जीवन में देखने को मिलता है या हमें करने के लिए या उस वर्शिप को करने के लिए हमें प्रेरित करता है, ये चीजें जो है समझने वाली हैं। हम रोटी चढ़ाना जो है, यहां पर रोटी चढ़ाने की बात नहीं है कि हम प्रत्येक दिन मंदिर में जाकर या परमेश्वर के भवन में जाकर रोटी चढ़ाएं, ये ध्यान रखना है, इन चीजों को समझना है। देखिए चढ़ाना क्या है, परमेश्वर को रोज आना, भेंट चढ़ाना है, ये तो परमेश्वर का वचन बिल्कुल कंफर्म करता है अपने वचन के अंदर कि हमें रोज आना, कुछ मतलब चढ़ाना है, रोटी नहीं चढ़ा रहे हैं तो कुछ और चढ़ाइए। वो कुछ और क्या है, पौलुस इसके बारे में बड़े अच्छे से बात करता है, और पौलुस क्या कहता है, रोमियो 12 अध्याय उसके एक पद में लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ध्यान दीजिएगा, रोटियों के ऊपर लोबान रखा जाता था कि परमेश्वर को उसकी सुगंध के द्वारा, उस लोमान की सुगंध के द्वारा जो है परमेश्वर स्मरण करे उन बातों को कि परमेश्वर ने कैसे इसराइलियों को निकाला, कैसे उनकी सहायता करी, कैसे इसराइली जो है नित्य इस बात को जो है रोटी रखकर इस बात को प्रकट करते हैं, हाँ हमारा परमेश्वर यहोवा जो है वह हमारा रक्षक है, हमारा उद्धार करता है। तो यहां पर भी पौलुस सबसे पहले क्या करता है कि मैं परमेश्वर की दया स्मरण करके, अब दया, अब लोबान ने किस चीज का रूप ले लिया, परमेश्वर की दया का। अब परमेश्वर की दया का लोबान जो है वो हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए, और प्रत्येक दिन हम अपने आप को परमेश्वर को चढ़ाएं, मगर अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को शुद्ध करें, और परमेश्वर को भाता हुआ यानी परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए, हम अपने आप को रोजाना चढ़ाएं। और ये चीज जो है, यही जो है, यही हमारी जो है आत्मिक सेवा, यही है कि चढ़ावा तो चढ़ाना है, जैसे इजरायली लोग चढ़ाते थे ऐसे ही हमें चढ़ाना है, मगर इजरायली लोग जो चढ़ाते थे उन चीजों का चढ़ावा ना चढ़ाकर हमें अपने जीवन का चढ़ावा जो है वो चढ़ाना है, क्योंकि हम खुद एक रोटी हैं जो परमेश्वर को चढ़ाई जानी चाहिए। जी हाँ, हम खुद एक रोटी हैं। कैसे अब हम रोटी हैं, आप यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय उसका 35 पद, 41 पद और 48 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। अब जब वो जीवन की रोटी है और हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर देते हैं और ग्रहण कर लेते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को अपना लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह हम में और हम प्रभु यीशु मसीह में हो जाते हैं, तो हम खुद एक जीवन की रोटी बन जाते हैं। और जब हम जीवन की रोटी में परिवर्तित हो जाते हैं तो वो रोटी किसको चढ़ानी चाहिए, प्रभु परमेश्वर को चढ़ानी चाहिए। जब आप मत्ती 26 का 26, मरकुस 14 का 22, लूका 22 का 19, पहला कुरिन्थियों 11 का 24, जब आप इन पदों को पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने क्या कहा, ये मेरी देह है, रोटी ली, उस एक रोटी को लेकर उसने अपने चेलों को देते हुए कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। जी हाँ, तो उसने अपनी देह को रोटी बनाया। हमारी देह भी क्या है, एक रोटी है जो परमेश्वर को समर्पित होनी चाहिए,
हम इस चीज को समझे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो रोटी 12 रोटी जो वहां चढ़ाई जाती थी, आप भी जाके किसी जिस चर्च के भी मेंबर हैं वो चर्च में 12 रोटी चढ़ाइए, ऐसा नहीं है। बल्कि हम स्वयं रोटी हैं, हमें प्रत्येक दिन जो पौलुस कहता है किस तरीके से अपने आप को चढ़ाना है, उस तरीके से प्रभु को चढ़ाना है, यानी समर्पित करना है। जब आप गिनती 14 अध्याय उसका 9 पद पढ़ेंगे, जब आप गिनती इनको पढ़ेंगे, आप 13:1-33 तक भी आप पढ़ लेना, मूसा ने प्रत्येक गोत्र के एक एक प्रधान को, एक एक व्यक्ति को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा, और उन्होंने सारे कनान देश में जब सर्वे कर लिया, सर्वे करके जब वो मूसा के पास आए तो बहुत से लोगों ने कुछ ना कुछ कहा, परंतु यहां पर दो ऐसे शख्स थे, कालेब और यहोशू। उन्होंने एक बात कही कि वहां पर जो बहुत लंबे चौड़े डील डॉल वाले व्यक्ति हैं, जो लोग वहां पर रहते हैं, वो हमारी रोटी ठहरेंगे। अब ध्यान करने की वाली बात है, उन व्यक्तियों को जो कनान देश में जो जातियां रहती थी वो बहुत लंबी चौड़ी डील डॉल में बहुत लंबी चौड़ी थी, उनको वो कालेब और यहोशू क्या कह रहे हैं कि वो हमारी रोटी ठहरेंगे, यानी वो हमारी रोटी है। यानी वो हमारी रोटी का मतलब कि वो हमारे अर्निंग का साधन है, हमारी कमाई का साधन है, हमारे लिए भोजन वस्तुओं का साधन है। जी हाँ, तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अन्य जातियों का धन तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि वो हमारी कमाई का साधन है, वो हमारी अर्निंग है, परमेश्वर उनको बनाता है। और इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, भजन संहिता 53 और उसके 4 पद में, क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। देखिए, जो अनर्थकारी जो अनर्थ करते हैं उनको ऐसे खा जाते हैं। अब देखिए कंपेयरिंग किसकी की गई है, परमेश्वर ने अपने लोगों का जो तुलना दी गई है किससे दी गई है, रोटी से दी गई है, कि जो अनर्थकारी लोग हैं, जो अनर्थ करते रहते हैं, जो गलत काम करते रहते हैं, मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी। यानी हम क्या हैं, हम रोट अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हम परमेश्वर की रोटी हैं, और परमेश्वर की ये रोटी भी ये भेंट वाली रोटी है, और ये भेंट वाली रोटी निरंतर पौलुस जो कहता है उसके समान अपने आप को चढ़ाना है। देखिए सेवकाई क्या है, इसको समझें, यहां पर व्यवस्था की बात या इसराइलियों की बात नहीं हो रही है, यहां पर हम मसीह लोगों की बात हो रही है और उस सेवकाई की बात हो रही है जो प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखी हुई है। इसलिए इन चीजों को समझे। 1 कुरिन्थियों 10:17 में लिखा है, इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी की एक रोटी में भागी होते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है, रोटी एक ही है, जीवन की रोटी जिसका नाम यीशु मसीह है, और एक ही देह है अर्थात यीशु मसीह जो है हम उसकी देह हैं, और जब उसकी देह हैं तो हम उसकी रोटी बन जाते हैं, उस एक रोटी में भागीदार होते हैं। जब उस एक रोटी में भागीदार होते हैं तो हम स्वयं उसमें परिवर्तित हो जाते हैं, यानी जीवन में परिवर्तित हो जाते हैं, जीवन की रोटी में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसा योना 6:35, 41 और 48 पदों में जो है वो लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है। देखिए इस सेवकाई को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग जब परमेश्वर के मंदिर की बात आती है, तंबू के मंदिर की बात आती है, सुलेमान के मंदिर की बात आती है, तो बहुत से विचार अपने अपने होते हैं, परंतु उसकी गहराई को, उसके अर्थ को समझो कि आज उसका जो वर्णन है, उसकी जो रूपरेखा है वो क्या है, उसका जो रूप है वो क्या है, उसको समझना है, और परमेश्वर जो है हमें इन बातों को समझाता है। 1 कुरिन्थियों 12:27 में, इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। जब हम उसकी देह हैं तो वो जीवन की रोटी है, वो एक रोटी है, हम उस देह में उस रोटी में परिवर्तित हो जाते हैं जो परमेश्वर को चढ़ाई जाती है, जो परमेश्वर को चढ़ाई गई, और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, अपने आप को प्रभु के लिए प्रत्येक दिन चढ़ाना है, जैसे रोमियो 12:1 में हमने पढ़ा था, और 1 कुरिन्थियों 10:17 के अनुसार उसी जीवन को रोटी के भागीदार होकर जीवन की रोटी में परिवर्तित हो जाए। 1 पत्रस 2:5 में लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याचकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो
यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण थे। जी हां, पवित्र स्थान में याजक लोग रोटियां चढ़ाते थे। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब हम अपना जीवन परमेश्वर को दे देते हैं तो हम क्या है, हम आत्मिक घर बनते जाते हैं। जब हम आत्मिक घर बनने का मतलब यानी परमेश्वर का वो मंदिर बन जाते हैं, और जब हम परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं तो उस मंदिर के अंदर रोटी होनी चाहिए, और वो रोटी स्वयं हमें हम जब याजक का काम कर रहे हैं तो हमें अपने आप को उस रोटी के रूप में परमेश्वर को समर्पित करना है, क्योंकि तीनों चीजें हमारे अंदर है, हम परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का याजक और वो भेंट की रोटी जो हम स्वयं है, जो परमेश्वर को चढ़ाना है और ये चढ़ाना चाहिए। लास्ट में पद पढ़ रहा हूं, इब्रानियों 13:15 है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। क्या लिखा हुआ, हमारे होठों का जो स्तुति होनी चाहिए वो बड़ी पवित्रता के साथ होनी चाहिए, परमेश्वर को भाने वाली होनी चाहिए। हमें अपने आप को तो चढ़ाना है, परंतु इसके साथ साथ में जो स्तुति है यही वर्शिप है, यही वर्शिप है कि स्तुति रूपी बलिदान जो है वो धन्यवाद के साथ जो है वो चढ़ाना चाहिए। हमारे होठों का फल, हमारे होठों के फल क्या है, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारे मुख से निकलने वाली हर वो बात जो है वो प्रभु को प्रसन्न करने वाली होनी चाहिए, प्रभु को समर्पित होनी चाहिए। यीशु मसीह ने क्या कहा, उस भेद को समझे कि जो मुंह के अंदर जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो मुंह के बाहर आता है, गाली गलौच ईर्ष्या जलन कूड़न और लड़ाई झगड़ा और व्यर्थ की बातें, ये सब हमें अशुद्ध करती है। इसलिए वो कहता है स्तुति रूपी बलिदान जो है, होठों का जो फल है वो हमें चढ़ाना है। बहुत सी बातें हैं मेरे प्यारे भाइयों जो हमें इन चीजों को समझना है। तो आपने देखा कि पवित्र स्थान में रखी गई मेज पर जो रोटियां थी बारह, उसका अर्थ क्या है, हमें उस मिनिस्ट्री को, उस सेवकाई को जो है वो पूरा करना है, अपने आप को परमेश्वर को चढ़ाकर समर्पित करना। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।